प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं खास दौरे पर, अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए अमेरिका में खास तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने जो भी अमेरिका में तैयारियां की गई थी और जो लोग उत्साहित थे उन्हें शुक्रिया कहा है ट्वीट करके। अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 21 जून से उनका ये दौरा शुरू हो रहा है। वहां पर वो न सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे बल्कि उनके लिए खास डिनर का आयोजन किया गया है और डिफेंस डील वहां पर हो सकती है। कई तरह के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कादम्बिनी जुड़ चुकी हैं। कादम्बिनी, पीएम मोदी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, उतना ही उत्साह जितना अमेरिका में लोगों के बीच है पीएम मोदी को लेकर। देखिए आरजी, पीएम मोदी इस वक्त अब अमेरिका के लिए निकल रहे हैं और देर रात तक वहां पहुंचेंगे। ये उनका आधिकारिक राजकीय दौरा है और पहली बार इस तरह से राजकीय दौरा हो रहा है पीएम मोदी का, जहां तक सवाल है। इसके पहले वो कम से कम 6 बार अलग अलग मौकों पर, चाहे वो बायलैटरल द्विपक्षीय हो या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रमों के लिए अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस बार की बात अलग है क्योंकि ये राजकीय दौरा है। ये दोनों देशों की दोस्ती का परिचायक होता है और सबसे हाईएस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है। और वहां पर सबसे पहले तो वो न्यूयॉर्क जाएंगे, वहां पर जो योगा डे का जो सेलिब्रेशन है उसको वो हेड करेंगे, उस जो वहां पर यूएन में। और आप देखेंगे कि वहां पर जो डिप्लोमैट्स हैं अलग अलग देशों के, यूएन के अधिकारी हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये एक बड़ी चीज है। 21 जून को योगा डे माना जाता है और इसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा माना जाता है। तो वहां पर उनका ये कार्यक्रम है। उसके अलावा वो इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, नेता हैं, उनसे भी वहां पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो वॉशिंगटन जाएंगे, 21 तारीख को ही वॉशिंगटन जाएंगे, जहां पर जो राजकीय उनका दौरा है उसके तहत वहां पर पहले एक कार्यक्रम है जहां पर वो स्किलिंग फॉर फ्यूचर जिसको कहते हैं, जिसका नाम रखा गया है, यहाँ पर भी अहम जो लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद वहां पर जो एक इंगेजमेंट है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ वो होगा, इसको एक प्राइवेट इंगेजमेंट कह सकते हैं। जो परिवार है उनके साथ दावत होगी, जो बाइडेन और उनके परिवार के साथ। 22 तारीख को सेरेमनी सारे होंगे, जिस तरह से एक राजकीय विजिट में होता है, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, कई और भी कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। उसके बाद जो कांग्रेस को वहां पर ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने की बात है, चाहे सीईओ से जो मुलाकात की बात है, तो अगले 2 दिनों तक वहां पर ये चलेगा। डायस्पोरा, जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रह रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी। वहां पर भी जो अहम नेता हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात होगी। तो अलग अलग कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं। ये जो दौरा है वो न सिर्फ राजकीय दौरे के कारण बड़ी चीज है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब इस बार वहां पर जाएंगे तो अहम रक्षा सौदों पर बात होगी, चाहे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बात होगी, सेमीकंडक्टर्स जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आते हैं, चाहे साथ में जेट इंजन बनाने की बात हो, तो कई ऐसे अहम मसले हैं जिस पर बात होगी और अहम समझौते सामने आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोनों देशों के रिश्तों में ये अहम एक मील का पत्थर बताया जा रहा है। इसको आगे किस तरह से ले जाना है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में माना जाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं और जिस तरह से दुनिया भर में स्थिति जो है जियोपॉलिटिक्स वो बदल रही है, उसके बीच में इस तरह का दौरा, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो दौरा बताया जा रहा है वो शुरू हो रहा है और उसके लिए अभी पीएम मोदी निकल रहे हैं।